अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो फिलहाल, दिस इज निमरा ओजगुल फ्रॉम स्कोप 360, जिसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी है। यहाँ होने वाला है बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारे स्टार्स आने वाले हैं जिनके साथ होगी मजेदार सी चिट चैट और गपशप, और तो और सूपी नाइट, डांस, भंगड़ा और म्यूजिक गाला आप करने वाले हैं बहुत ज्यादा एंजॉय। तो आपने घबराना नहीं है और शो छोड़ के जाना नहीं है। Stay tuned with Scope 360. Hi friends, we are at Flatis at show. It's called Scope 360 and we are having fun and we are excited for this show. We will wish them best of luck. Aur saath saath hamare chairman Sayyid Ahmed sahab aur CEO Obama Sheikh sahab, unka bahut zyada isme contribution hai, unki mohabbat aur unki chahat definitely isme shamil hai. जनाब नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप कराची से तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ कि नदीम साहब के लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए, बिकॉज फ्रॉम कराची बड़े भाई डीएसपी सिक्योरिटी लाहौर, उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सरफराज खान साहब, ग्लोरिया जींस के रुए रवान हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे साथ एक सूफी परफॉर्मेंस इस वक्त मौजूद है जिनको हम अक्सर टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत सूफी रंग जमाते हैं। हमारे साथ वर्सटाइल ग्रुप के कुछ बेहतरीन फनकार मौजूद हैं, आपकी भरपूर तालियों में अपनी सूफी परफॉर्मेंस का तशरीफ लाएंगे, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं कहने वाला था माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं कैसे नहीं लगूंगी। आई एम वेयरिंग सेज आगा एंड ही इज द फेमस डिजाइनर सेज आगा, जिनका ड्रेस आज मैं पहने हुए हूँ। और बहुत अच्छा कैरी किया हुआ है इन्होंने भी सेज आगा पहना हुआ। ओह, तो आज आप लोग दोनों हमारे साथ स्कोप 360 के लॉन्चिंग सेरेमनी पे आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगी और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये कहूँगा कि जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जब इवेंट्स होने शुरू हुए तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर की रौनकें वापस आ गई हैं और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और मोस्टली इवेंट में इनवाइटेड होते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग इनवाइट करने के लिए। और अभी तो इवेंट स्टार्ट हुआ नहीं है और उसका काफ़ी वेट हो रहा है, काफ़ी सारे फनकार आने, तो लेट्स होप क्या होता है। तशरीफ लाते हैं सैयद अहमद, चेयरमैन स्कोप 360, आपकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और उनके साथ उमैमा शेख, सीईओ स्कोप 360 फ्रॉम कैनेडा, सो प्लीज वेलकम सर, स्टेज पे आइएगा राइट साइड से। और हमारी जो टीम है स्कोप 360 की, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। आज हमारे साथ मीडिया के एक नामवर पर्सनालिटी मौजूद है, असद बेग साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और स्कोप 360 की लॉन्चिंग सेरेमनी पे आए। आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? जी क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं और मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस पेश करता हूँ स्कोप 360 को और इनकी इंतज़ामिया को कि एक बहुत खूबसूरत जो है फूल जो है हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री में उसका इजाफा होगा इसमें, इसके आने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशबू कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। खुशबू हमारे पाकिस्तान की फेमस एंकर पर्सन है, तो खुशबू आप यहाँ पे आज सोशल मीडिया चैनल स्कोप 360 की सेरेमनी पे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं अपने किसी फैमिली के फंक्शन में इवेंट पे आई हूँ। देखा हम हैं इतने दिल वाले। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप क्या बेस्ट विशेज़ देना चाहेंगी? जी मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा लगा और मैं दिली तौर पर स्कोप 360 की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, थैंक यू सीन पेश करना चाहूँगी। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा चैनल ये साबित होगा और एक आम पब्लिक जो है उसकी आवाज़ को ये सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ताहा आज आप स्कोप 360 की लॉन्चिंग सेरेमनी पे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट
और ख़ास तौर पर मैं उमामा शेख और उनकी टीम को बहुत बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से इस सक्सेसफुल लॉन्च पे और इंशाल्लाह आगे इस चैनल की सक्सेस. थैंक यू सो मच ताहा. अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक. काशिफ, ये इतना आपने जो पहना हुआ है, इसकी कोई ख़ास वजह या बस शौक? नहीं, बस ये शौक है और ये शौक को चला रहे हैं. बचपन का शौक है जो जिंदगी के साथ साथ चलता जा रहा है. आपको देख के ना बप्पी लहरी वाली फीलिंग आ रही है. नहीं, वो पुराना हो चुका है. अब आप नए हैं. हाँ, मैं नए अंदाज की हूँ, पुराना जी लेटेस्ट वर्जन आपको पता, फिर आते रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने हमारी स्कोप 360 की लॉन्चिंग सेरेमनी अटेंड किया, आपको कैसा लगा, एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया. और मेरे ख्याल में कि जिस तरह से इसकी माशाल्लाह लॉन्चिंग हुई है, ये इंशाल्लाह काम भी बहुत अच्छे करेगा. और सबसे बड़ी बात है कि इसमें माशाल्लाह जिस तरीके से ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की ये इनका एक माइंड है, मेरे ख्याल में ये जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क है सबको पीछे छोड़ देगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह कोई और बेस्ट विशेस? जी बस यही कि मेरा बस जो भी इस चैनल के जरिए है, उम्मीद तो है कि सब बेहतर और अच्छा कंटेंट सामने आएगा. लेकिन इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेस है कि जितने भी चैनल हैं, देखें हर कोई अपना अपने मेहनत करता है, लेकिन देखें मेहनत नज़र भी आती है. तो इंशाल्लाह इसकी मेरे लिए बेस्ट विशेस है कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू काशिफ. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सागर खान, सिंगर फ्रॉम लाहौर. आज 360 स्कोप का एक शो ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है. तो इसमें पाकिस्तान के और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और मैं भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ. और मैंने इन्वायरमेंट देखा है, बहुत अच्छा है. और जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, आप लोग इसको ज्वाइन करें, आप लोगों को मज़ा आएगा. और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं 360 के लिए कि अल्लाह पाक इनको ढेरों कामयाबियाँ दें. इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत ही खूबसूरत सिंगर ईमान फातिमा मौजूद हैं. उनसे पूछते हैं कि आज का फंक्शन वो देख रही हैं, अभी होने वाला है, तो आप बताइए कि स्कोप 360 के बारे में क्या कहेंगी? स्कोप 360 चैनल इसकी आज लॉन्चिंग है और इतने गेस्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा फनकार आ रहे हैं. मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ऐसा हूँ ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है. आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, पर आपसे कम एनर्जेटिक हूँ. आप तो माशाल्लाह अभी भी बहुत एनर्जेटिक हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह ताला ने मेरे दोस्त बड़े अच्छे से दिए हुए ना, जो मुझे बिल्कुल हर वक्त एनर्जेटिक रखते हैं और मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं, मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का, मेरे फ्रूट का, मेरे प्यार का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं. तो मैं फिट हूँ. अल्लाह पॉजिटिव कंपनी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है. जैसे कि 360 इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे. नया चैनल है, लॉन्च हो रहा है और हमारे दोस्तों का इजहार है, तो हमारी तो वैसे ही विशेज उनके साथ हैं और आपके साथ भी हैं कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे. आप अभी जा रहे हैं ग्रोइंग एज में हो, इस फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाब करे. आमीन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम जैसी. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड, चढ़दी कला. इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल सिंगर जस्सी सिंह लालपुरिया मौजूद है. लालपुरिया इतना डिफरेंट नेम है, ये क्यों, किस, या आपका कोई एंसेस्ट्रल नेम है या आपने खुद से अपने नाम के साथ, ही जैसे अक्सर ही 24 के बड़े बड़े सितारे अपने नाम के साथ डिफरेंट किस्म का कोई नाम लगा लेते हैं, आपने भी ऐसे किया? प्राए लोगों का तो मैं पता नहीं है, लेकिन साढ़े सरदारा के होंगी सब कास्ट लाउनी. अच्छा. या अपने पिंड का ना लाना, तो फैसलाबाद का पुराना नाम से लायलपुर, तो मैं फैसलाबाद का रहने वाला, उत्थे का जमपल हैगा वा. अच्छा. तो उसका पुराना नाम था लायलपुर. आपने बहुत अच्छा अपना रैप सुनाया. आप ये भी बताएं कि आज आप स्कोप 360 की लॉन्चिंग सेरेमनी पे, आपको कैसा लग रहा है? आई एम गुड, वेरी हैप्पी. बल्कि मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले गेस्ट मैं ही था और यहाँ पे आया हूँ और लाइव स्कोप को हम प्रमोट करने आए हैं. और मैं पंक्चुअल है, इसका मतलब है आप मेरे ख्याल से कोई भी आप काम करते हैं, जैसे आप माशाल्लाह एंकर हैं, तो आपको आपके काम में पंक्चुअल होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप हमारे स्कोप 360 चैनल के लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? चक दे फटे नप दे किली लाहौर तो लैके दिल्ली. We'll be right back.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी खिज़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र साहब, आप इस वक्त स्कोप 360 की लॉन्चिंग सेरेमनी पे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लगता है कि ये चैनल और बाकी चैनल्स में क्या फ़र्क हो सकता है? बहुत अच्छा लगा जी, उन्होंने मधु किया मुझे। और दूसरा, इस वक्त जो दौर चल रहा है या जो आने वाला दौर है वो सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, जितने भी चैनल और भी काफ़ी चैनल हैं जो कि मार्केट में आ चुके हैं, और ये एक अच्छा इजाफा है। अब जो कंपटीशन हो चुका है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि स्कोप 360 को उनके लेवल पर आने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि पहले कुछ चैनल थे, उसके बाद भी जब बढ़ते बढ़ते चैनल ज़्यादा हुए हैं तो लाजमी बात है जब चीज़ें ज़्यादा मार्केट में आ जाती है, एक चीज़ की भरमार हो जाती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ एक अच्छे प्रोग्राम और लोगों तक करंट इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, तो इंशाल्लाह स्कोप 360 जो है ये ज़रूर अपना मुकाम पालेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्कोप 360 के लिए लोग आएंगे, तो आप सबकी नज़र उस कलाम पर अस्सलाम वालेकुम अरबाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अरबाब, आज आप हमारे चैनल स्कोप 360 की लॉन्चिंग सेरेमनी पे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो स्पेशली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा चैनल बनने जा रहा है जहाँ पे हर तरह का मीडियम दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और एक ये बड़ा प्यारा चैनल 360 यूनिक नेम है, तो माशाल्लाह ताला से तरक्की दे और बहुत ज़्यादा सक्सेस दे। 360 मींस अराउंड द ग्लोब। यस यस, थैंक यू सो मच। बट ये है कि स्टाइल में फील आ जाता है 360 जब बोला जाता है, तो लोगों में एक यूनिकनेस सी फील होती है, तो अल्लाह करे इसको अल्लाह ताला कामयाबियां। आमीन आमीन। थैंक यू और बाप। थैंक यू। सो चैनल लॉन्च हुआ है 360 स्कोप, इसके लिए सबसे पहले बहुत सारी तालियां। वगियां हमां बने बड़ियां ए हो जी हने कदी चली भी नहीं और नाल दिल की कहना चाहोगी स्कोप 360 के बारे में और आज की सेरेमनी में आपको कैसा लगा? आज की सेरेमनी जो है स्कोप 360 की मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा इवेंट आपने जो है ऑर्गेनाइज किया है और मुझे अच्छा लगा, इनविटेशन था तो मैं आई। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी दुआ है ये तमाम नेटवर्क से ज़्यादा बेस्ट नेटवर्क निकले और हर कोई इसे सब्सक्राइब करे, शेयर करे और ज़रूर इसकी फीडबैक दे। मतलब नेक्स्ट अगर इन्वाइट करेंगे फिर आएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर, 360 स्कोप हमें इन्वाइट करेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। फिर वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर, आपके इतने फेमस गाने जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लोर लोर, एक वो गाना था जो मुझे वाहिद पंजाबी गाना था जो मुझे थोड़ा सा समझ आया था अपने बचपन में, मुझे पंजाबी इतने अच्छे से समझ नहीं आती है और वही हमारी जबानों पर रहता था। आप ये बता, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो गाना था लोर लोर, ये आपके जहन में आया कैसे? क्या आइडिया था, क्या ऐसी वो इंस्पिरेशन थी, किसने ऐसी कोई बात कही थी क्या आपने ये गाना जो है वो बनाया? अगर आप मेरा ब्लड टेस्ट करें ना, वो पॉजिटिव ना और नेगेटिव होगा, आपको आवाज़ आएगी। जिन्हें लोर नहीं था क्या? वो जमिया ही नहीं। अब आप बचपन से जवानी में आ गए, आपकी जवानी में मेरा गाना आ रहा है कि वर्ल्ड आखदा है लोर जागदा है, लोरियां दा इश्क जागदा है, जो कि बड़ी लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है चैनल के लिए कि उसमें जो ब्रांड आर्टिस्ट हैं मैं और दिलेर में भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा, तो दुआ करना आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। आप स्कोप 360 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, हम कोई चीज़ है तो हम आगे ना, एक तो ये सोशल मीडिया है आजकल, तो आप एक सिर्फ एक सेकंड में क्लिक करें पूरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, ठीक है ना? तो दौर ये वो चीज़ें हैं सोशल मीडिया, जितने जो नए आर्टिस्ट आने उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह इनको काम ही करें। आप सारे उसको लाइक करें, शेयर करें। जो बूस्टर चैनल है वो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अपनी जगह बना लिया, अल्लाह इनको काम करें। अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कह दूँ अगर आपकी इजाज़त हो, है? और वो कहते हैं कि जिंदा रहे तो ज़रूर मिलेंगे, मैं समझता हूँ कि मिलते रहें तो जिंदा रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। एवन
आपने हमारी सेरेमनी अटेंड की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट, और ख़ासतौर पे मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज जो है स्कोप 36 को जो है वो लॉन्चिंग सेरेमनी आप लोगों ने फ्लैटिस में मुनाकिद की और हमें बेहद मज़ा आया यहाँ पे और माशाल्लाह बड़े तो खूब इन्जॉय किया स्टेज पे। बस तो आपको पता है कि जब सब फनकारों के साथ है हमारा हंसी मजाक तो वो फिर ज़्यादा बातें चलता है। स्कोप 360 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई बेस्ट विशेज? जी मेरी बेस्ट विशेज हैं जो काम करें अच्छा करें और अपना नाम जल्द से जल्द जितना हो सकता है सब चैनल के बीच में इनका नाम होना चाहिए, क्योंकि काम की नौइयत देखकर ही चैनल की जो है वो वर्थ को देखा जाता है। तो अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। आमीन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मुख्तार साहब हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। तो आपने हमारी सेरेमनी अटेंड किया, आपको कैसा लगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और उन्हें इनवाइट किया, और बड़े अरसे बाद एक अच्छा और ख़ूबसूरत म्यूज़िकल इवेंट लाहौर में देखने को मिला। हाल दो के बिजनेस के हालात, सियासी हालात और दो साल कोविड का जो झटका लगा उससे हमारी शोबेज इंडस्ट्री को, इवेंट्स इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा और हमारे काफ़ी सारे आर्टिस्ट बेरोज़गार हो गए इस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्कोप 360 ने। आज एक बड़ा शानदार किस्म का उन्होंने ये म्यूज़िकल इवेंट अरेंज किया। थैंक यू। आप क्या विशेष देना चाहेंगे स्कोप 360? जी स्कोप 360 माशाल्लाह इन्होंने अच्छा एक चैनल लॉन्च किया है और इनका जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा है कि ये नए आर्टिस्टों को एक प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं कि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें और आगे तरक्की की राहें उनके लिए खुलें, और हमारी बेहतरीन खूबसूरत विशेज इनके लिए हमेशा से रही हैं और रहेंगी और हम इनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आरबी कमर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान, बहुत शुक्र गुजार हूँ अल्लाह का। आरबी कमर को तो आप जानते होंगे, बहुत खूबसूरत सिंगर हैं ये। आरबी आज का इवेंट आपने अटेंड किया, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा हिट गया। ये भी हमारे चैनल के पायनियर्स में से एक हैं। अब ये बताएं आप क्या विशेज देंगे स्कोप 360 के लिए? सबसे पहले विकास भाई, अब्बास भाई, सबको मेरी तरफ से जो है ना बेस्ट विशेज। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक चैनल ओपन किया है, व्यूअर्स आप जाएं देखें और माशाल्लाह इंटरटेन होंगे आप, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। सो फिलहाल आपने शो देखा, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया क्योंकि हमारा तो काम ही एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट है। यकीनन आप बहुत एंटरटेन हुए होंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा। और घबराना नहीं है, शो छोड़ के जाना नहीं है, स्टाइल 360 के साथ रहें।